इस क्वेश्चन में हमको कॉस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो गिवन है और हमको साइन एल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है अब कॉस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ज़ीरो गिवन है और कॉस की वैल्यू जीरो होती है कॉस नाइन्टी पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी नाइन्टी डिग्री यहाँ से एल्फा की वैल्यू आ जाएगी नाइन्टी माइनस बीटा अब हमको वैल्यू निकालनी है साइन एल्फा माइनस बीटा की तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू 90 माइनस बीटा इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस बीटा माइनस बीटा विच इज साइन 90 माइनस टू बीटा और इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 बीटा क्योंकि कॉस थीटा हमारा होता है साइन नाइन्टी माइनस थीटा तो साइन नाइन्टी माइनस टू बीटा की जगह पे हम कॉस टू बीटा लिख सकते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अब यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू निकाली है बीटा की नहीं निकाली क्योंकि बीटा की निकाल के देखते हैं बीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी नाइन्टी माइनस अल्फा, ये वैल्यू हम साइन अल्फा माइनस बीटा में पुट करेंगे बीटा की जगह पर तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस नाइंटी माइनस ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस नाइंटी प्लस अल्फा विच इज साइन टू अल्फा माइनस नाइनटी अब इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है हमको साइन 90 माइनस टू एल्फ़ा अगर होता तो हमको इसकी वैल्यू पता होती अभी 2 अल्फा माइनस नाइन्टी है तो इसकी वैल्यू हमको नहीं पता तो इसलिए हमने अल्फा की वैल्यू इस यहाँ पर निकाली थी हम इसको नोट कर लेते हैं हमको कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ज़ीरो गिवन है और कॉस की वैल्यू जीरो होती है नाइन्टी पे तो एल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया नाइन्टी डिग्री एल्फा की वैल्यू हमने इसमें नाइन्टी माइनस बीटा निकाली और उसको साइन अल्फा माइनस बीटा में अल्फा की जगह पे पुट कर दिया तो ये हो गया साइन 90 माइनस टू बीटा विच इज़ कॉस टू बीटा